के विशेष अतिथियों का स्वागत शॉल ओढ़कर और बुके देकर मोमेंटो देकर और स्वीट देकर उनका स्वागत करता है। जोर से काम नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां पाने के लिए डांस की महफिल में आया कीजिए। इस महफिल को शानदार, जानदार और यादगार बनाने के लिए जोरदार तालियां बजाया कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। कई कह रही हूं ना मैं, इतनी छोटी सी उम्र में मारी जी ने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया है, तो इनके लिए कितनी तालियां बजनी चाहिए आप बताइए। रुकनी चाहिए तालियां की, जोरदार बजनी चाहिए। अभी इनके बारे में हम जानते हैं इनकी जुबान से। सर बताइए, दो शब्द अपने बारे में बताइए। जैसे कि आपको पता है सर डांसर है, कोरियोग्राफर है, और आए दिन इंस्टाग्राम में इनके इनका रील्स तो मैं बहुत देखती हूँ, फॉलो भी करती हूँ, तो मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ इनसे। सर आप बताइए अपने बारे में दो शब्द, आपकी रोल मॉडल, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबके लिए। पहला हो थैंक यू सो मच आप लोग सब आने के लिए यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये इवेंट सक्सेस करने के लिए मेरे जो स्पॉन्सर्स यहाँ पे है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेन है एक्चुअली। और मेरे भी ब्लेस्ड मिला कि अभी मेरे को बस डांसिंग में स्टार्ट किया, देन इवेंट और मेरे वीडियोस, देन सब कुछ तो अभी चल रहा है, मेरा अच्छा ही चल रहा है अभी। वो गॉड ने ब्लेस किया है मेरे को, तो और भी मैं ये इवेंट और भी काम करना है मेरे को, और भी आगे जाना है। बस ये है कि नहीं इवेंट कर लिया बस, और बहुत कुछ है करना है अपना लाइफ में, सीखते ही जाएगा और भी है, और सबका साथ अच्छे से रहना मेरे को, देन आके सबका दिल में रहना है गाइस। इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज करना जिसमें इतना लेजेंडरी कोरियोग्राफर और डांसर हमारे बीच अंडमान द्वीप समूह में उपस्थित हैं, और इसका जब भी मॉरी जैक्सन जी से मेरी बात हुई, इन्होंने कहा इनका सबसे बड़ा बैकबोन इनकी माँ है। मेरी मम्मी नहीं रहती तो जी हाँ सपोर्ट करती, मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है। माता जी का आप लोग भी अपना बच्चा को बहुत सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना पुश करिए, जितना हो सकेगा नहीं कि क्लास मत जाओ, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी थोड़ा सपोर्ट करिए अपना घर से, क्योंकि अपना सबका पास टैलेंट है अंडमान में, सबका पास है। बस क्या है कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, फाइनेंशियल की वजह से वो सपोर्ट नहीं हो पाता है, मेरे को भी पता है। तो मेरा मेरे घर से भी ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे घर से भी नहीं है, तो क्या है कि मेरी मम्मी बहुत मेरे को हेल्प करी इस जगह में मेरे को पहुँचाने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच अम्मा।
इनका कैसा है, एक्सप्रेशंस कैसे रहेंगे, कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, अगर डियो है, डियो परफॉर्मेंस है या फिर ग्रुप में है तो कोऑर्डिनेशन कैसा है, म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइजेशन कैसा है वो भी ध्यान दिया जाएगा, कॉस्ट्यूम्स कैसा रहेगा और प्रॉप, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जज किए जाएंगे कि जो कंटेस्टेंट है कैसा इस सब चीज को अपने अंदर ले आ रहे हैं। और 4 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच अपना सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, टाइमिंग 4 to 5 मिनट्स रहेंगे। और जब परफॉर्मेंस समाप्त हो जाएगा हर एक इंतजार करेंगे कि विनर कौन है, फर्स्ट रनर अप कौन है और सेकंड रनर अप कौन है। तो मैं आपको बता दूं सीनियर कैटेगरी में विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, और जूनियर कैटेगरी में विनर, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप। मनीषा जी आप ये भी बताइए कि जो ये जो 3-3 सेलेक्ट होंगे, टोटल 6 होंगे, उनके लिए और क्या स्पेशल है ये बताइए। उनको डिनर करने का मौका मिलेगा वर्तिका मैम के साथ। खाली डिनर से तो काम नहीं होता है, तो प्राइस सर्टिफिकेट वो भी तो देना, वो बताइए ना प्राइस क्या मिलेंगे, कैश प्राइस क्या मिलेंगे, वो सब कैश प्राइस, मेडल्स, ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। वो बात तालियां बजाइए। आर यू गाइस रेडी? देखिए मैम को अरे मैडम यहाँ पर वहां से सुनाई देना चाहिए। सच्ची मुच्ची बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम, बहुत ज़्यादा। एक तो पहली बात, अंडमान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे तो जितने लोग बैठे हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो मेरी एनर्जी क्रेजी हो चुकी है। तो थैंक यू बोलना चाहेंगे यहाँ पे बुलाने के लिए सबसे पहले मारी भाई को और पूरी जो जनता अंडमान की उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे, अंडमान डांस क्लब को थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप इधर आने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोमेंटो Bye.
में दो पेन ले लो, लाल पीला हरा नीला सारे रंग के पेन ले लो। भैया पेन ले लो ना, भैया पेन ले लो ना। बोलो सुबह सुबह आ जाते हैं कहां कहां से। तहजीब की मिसाल गरीबों के घर पे है, दुपट्टा फटा हुआ है मगर उनके सर पे है। गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। गरीब का कोई नहीं हो सकता, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है इंसान की नहीं। है सुना ये पूरी धरती तो चलाता है, मेरी भी सुन ले रज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहा रे है कहा रे सुना तो भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोना हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू ए खुदा है कहाँ रे। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू ऐ खुदा है कहाँ रे तू। ना हिंदू ने राम देखा है ना मुसलमान ने अल्लाह, बस उस भिखारी ने सिक्कों की खनक में खुदा देखा। भिखारी तो हर जगह है, बस फर्क इतना है कि कोई मंदिर के अंदर भीख मांगता है तो कोई मंदिर के बाहर। हमारा तो कल नहीं होता, रोटी मिली तो जिंदगी, वरना ऐसे ही कदम रुक जाते हैं पर इस दुनिया से चले जाते हैं। सोच बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आँखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू ऐ खुदा है कहाँ रे तू। दर्शाया है, सो वेरी गुड उसके लिए।
जगह आप जो इमोशन पकड़ रहे थे वो करेक्ट था, और एक तो जगह कहीं वो कनेक्शन छूट नहीं जैसा हो रहा था, पर कुछ जगह आपका जो इमोशन था वो बहुत करेक्ट था, तो वेरी गुड, वेरी गुड। तुमसे मिलके देखा है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके देखा है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल।
आपका स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा है, गुड, वेरी गुड. और आपको पता है कि स्टेज पे आने के बाद कैसे परफॉर्म करना है. बस बिगनिंग में आपके कोरियोग्राफी में थोड़ा ऐसा आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड, फिर बाद में आप पूरा मतलब हाइट पे लेके गए फिर उसके बाद. तो वेल डन, वेरी गुड. जो फाइनल्स में आए, समाप्त हो गया उनका. और इसके बाद जो है हाई फ्लाइंग की ओर से एक धमाकेदार परफॉर्मेंस होगा. मैरी जैक्सन उसके कोरियोग्राफर हैं और डांस भी करेंगे उनके साथ में. Hello.
आई है, फिर भी निकल पड़ा उधर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है। और जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। और जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। सनम सोचते हैं कि ऑडियंस में ये सोच रहे हैं सब आ रहे हैं बढ़िया से परफॉर्म कर रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत है आपको पता है, तो अभी भी कुछ देर पहले कह रहे थे भैया पूरा आंखें सब जल रहा है सोया नहीं, बहुत मतलब भारी बहुत बड़ा स्टेप है इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और हमारे भारत के वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी को यहाँ पे आमंत्रित करना मजा आ गया। वंस अगेन हमारी और उनके टीम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू प्लीज। एक्चुअली ये लोग अभी सेलेक्ट नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम तो हम लोग सेलेक्ट होंगे गाइस और करेंगे, मेरे को पता है बेस्ट। और मेहनत करना है बस, हम लोगों को मेहनत करके करते रहना है, तो उसको मत छोड़ना बस हम लोग, ताकि हम भी मेहनत किया उनके यहाँ पे खड़ा है, सब लोग मेरे को सपोर्ट भी किए, उन लोग के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अंडमान से मेरे को बहुत प्यार करते गाइस, मेरे को बहुत प्यार करते यहाँ से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है एज एन प्लेज मेरे को। थैंक यू हरी भाई। आपको पता है आप बेस्ट हो कि आप ऐसा कुछ इस जगह पे ये हो, यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए जो डांस करते हैं इतना अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है ये। मतलब अकेले ये सोचना, ऑफकोर्स आपके साथ के दोस्त होंगे, आपकी टीम होगी, सभी है देखो सुधा है, लेकिन ऐसा मेरे को इवेंट के लिए बहुत साथ दिए, घूमते थे हम लोग एक एक जगह जाने के लिए, कितना स्पॉन्सरशिप के लिए तो पता ही है। अपनी वाइफ को यही बोल रहा था की ये जब भी ऊपर डांस फ्लोर से हमारे जिम के फ्लोर में आता था रिसेप्शन के सामने, क्योंकि वहाँ कूलर लगा हुआ है, तो
छेड़ते थे कि आओ हमारे सामने दोस्त चप करके दिखाओ, जस्ट एन एग्जाम्पल, और आज ये आपके सामने परफॉर्म कर रहा है और रोज आकर रोज हमारे सामने डांस करके दिखाता हुआ। और मारी तो है ही मेरे साथ पिछले दो तीन साल हो गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने देखा है इसका ग्रोथ पिछले 3 साल में। थैंक यू। थैंक यू सर, आप जैसे लोगों की जरूरत है ऐसे कलाकार को। यस करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू और धीरे धीरे हमारा नहीं मिले और मारी भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू वर्तिका, आप जो इतने सुंदर होटल में स्टे कर रहे हैं, इतना डिलीशियस खाना खा रहे, सब इनकी वजह से है। आते सर इनको रूम का व्यू सबसे अच्छा लगा। We'll be right back.
बी क्रेजी, क्या एनर्जी आपके माइंड में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया मैंने, वेरी गुड।
समझो औरत का फर्क भूल गया। चोरी चलो बहुत क्यूट और बहुत स्वीट आया था मेरे लिए था तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत खुशी मिला देख के लिए बहुत स्वीट हुआ। थैंक यू मेरे लिए एक्ट करने के लिए। हम बहुत खुश हो जाते हैं जब मेरे लिए भी छोड़ा जाता है तो बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा एक्ट करने के लिए एंड जो उधर मॉब घुमाया आपने क्रेजी। और अब हाँ वो साइड करके अब डांस चाहते हैं कहीं कहीं आप दोनों का सिंक्रोनाइजेशन में वो ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा ठीक ठीक है पर अदरवाइज बहुत ही
मैम जी के लिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और ऐसे ही करते रहो। मारी भाई सिखा रहे हैं ना तुम लोग को, वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे से करते रहो, सीखते रहो, ठीक है। और भी बहुत अच्छा डांस करना है सबको। सब खुश हैं? आप खुश क्यों रो रही हैं? आप उत्तर प्रदेश से भाग भाग कर आई है मैडम मुझे मिलने के लिए। आपका मन प्रसन्न हो गया? रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है, खुशी का भाव है, खुशी में आंसू है। ओके I'm
कोरियोग्राफर को बुलाया, कोरियोग्राफर को बुलाया। मैं चाहूँगा सुमित और देव दोनों आए कोरियोग्राफर इनके जो सुमित। बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छे। सबसे अच्छा पार्ट मेरे को लगा है जब आप ट्रैवल करते हो और आप पे स्पॉटलाइट पूरे टाइम आता है और आप लोग पीछे भी डांस कर रहे थे, तो बहुत अच्छा। ग्राफिक्स, लाइटिंग, आप लोग ने मतलब जो भी ट्रांजिशन वगैरह वो बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। Oh,
पेट भी मांग रहा। हर कोई स्टेप रखता है, क्या बात, हर किसी एक ही स्टेप रख के हम गाना फिनिश करता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम माइक पकड़ लिया, हम यहाँ अकेला कोरियोग्राफर नहीं है, हर कोई स्टेप रखता है इसमें, हर कोई है। सबका एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सब एक साथ मिल के कोरियोग्राफी करोगे तो क्रिएटिविटी लेवल ज़्यादा अलग निकलेगी, सो वेरी गुड। एंड जिस एनर्जी से आप लोग परफॉर्म कर रहे थे, जितने भी लोग यहाँ बैठे थे फुल एनर्जी में आ गए थे आप सबको देख के, तो वाओ वेरी गुड, बहुत बहुत क्रेजी एनर्जी थी आप लोग परफॉर्म करते रहे, तो ऐसी करते रहिए और ऐसी खुशी से झूमते रहिए। थैंक यू जावांगा पूरी नू पाना सीओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जाए मामा तो भी चूरी नू रवाज बवाज ओनू लुका मा कोई मनू ना रोके मेरे गोल से बैले अभी तेन खबर कि मैं हो गए आजाए दिल तेरा से हाथ मिलाए मुझसे, मैं मतलब वहाँ पे नर्वस हो गया, आप
आप जैसे मुझसे हाथ मिला है मेरा हाथ कांपना शुरू तो वहाँ पे पहले मैं एक नॉन डांसर था जो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़े बहुत डांस कर लेता था। फिर देन मुझे मारी दिया मिले, उन्होंने मुझे सिखाया, अब मैं उनका टीम का एक हिस्सा हूँ। थैंक यू मारी दिया मैम। हमारे एक रिक्वेस्ट है, हमें आप सबके आपके साथ एक ग्रुप फोटो मिलेगा। बिल्कुल Bom, eu
यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अंडमान सुपर डांसर सीजन 3 हम लोग जो है सिटी टीवी में इंद्रधनुष म्यूजिक रिहर्सल की ओर से शुरुआत करेंगे आज, इसका घोषणा करता हूँ। वो जो है सिटी टीवी के चैनल में कम से कम 4-5-6 महीना, जैसे कि आप लोग जो बाकी जो सुपर डांसर जैसा मतलब बाकी जो आप लोग बड़े बड़े मतलब जो टीवी में मतलब जो जी टीवी में बाकी सब टीवी में आप लोग जितने डांस कॉम्पिटिशन देखते हैं उस तरह फिर एक बार अंडमान में भी मतलब जो हम लोग फिर यहाँ के जो जितने भी लोकल टैलेंट है, मैंने सोचा कि ये सब फील्ड से थोड़ा हट के रहना है, बट आज फिर मारी हमको यहाँ पे बुला के हमको थोड़ा सा जोश दे दिया और बोल दिया कि भैया करना है। तो मैं विजय से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस डांस कॉम्पिटिशन में विजय और मारी का मतलब सपोर्ट मेरे को थोड़ा चाहिए। मैं फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब जो मैं पूरे आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, आप लोग पूरा एपिसोड को मतलब जो ऑर्गेनाइज कीजिए, हमारे पोकर के जितने भी नए नए टैलेंट है उनको फिर एक बार प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं अंडमान सुपर डांसर सीजन 3 का कोशिश करूंगा। बहुत ही जल्द टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, आप लोग सीपी टीवी देखते रहिए और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। फिर एक बार मैं आप लोग से यही कहूंगा कि इतने अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, एक बार जोर से मारी को तालियां बजाइए, साथ में विजय भाई भी जो है अपना टीम को यहाँ पर लेके आकर उनके बच्चों को भी उनका भी टीम मतलब यहाँ पर पूरा काम किया, उनको भी एक बार जोर से तालियां। और खास करके जो टाइटल स्पॉन्सर था हमारे वो भी मतलब जो हमारे बच्चे ही है, अरे उनका बाप मेरा क्लासमेट है, आओ आकाश यहाँ आओ, उनके मदर उठा और एक मेरा वो भी मेरा बेटा है, वो बेटा है मतलब 6 का स्पॉन्सर, इन बच्चों को सपोर्ट करके इस प्रोग्राम को मतलब जो है यहाँ सुपर हिट करने में साथ दिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अब जजमेंट मतलब जो है यहाँ पर जजमेंट के लिए तैयार है, और वर्तिका जी आपको भी मतलब जो डांस को मतलब जो है वैसे मैं पूरा मतलब देखा है, मेरा बेटी मतलब जो है मेरे को बोली कि मैं कभी भी मतलब देखा भी है, और आज भी आपको जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, हो सके अंडमान सुपर डांसर के फाइनल में भी हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको भी आपके साथ और एक सेलिब्रिटी को भी यहाँ पर स्टेज में मतलब यहाँ पर जजमेंट के लिए बुलाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ये बड़ी उनके लिए स्पेशली बोल रही है क्योंकि न्यूज अंडमान 24/7 और हमारे देश समूह में मशहूर चैलेंज है और जितने भी खबर है आप तक पहुंचाते रहते हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रोग्राम को भी आप सिटी टीवी में भी देखेंगे और साथ में इन दोनों चैनल्स में भी देखने जा रहे हैं। तैयार है ना आप लोग? चलिए निकल चुके हैं, एंड जितने भी कंटेस्टेंट थे पार्टिसिपेंट थे सबको बोलना चाहेंगे वेल डन गाइस, बहुत अच्छा किए आप सब, बहुत अच्छा परफॉर्म किए, और बस ये है कॉम्पिटिशन का रूल है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो पोजिशन दिया जाता है इससे भी आप सब सीखोगे कि हाँ अभी हम जितना प्रैक्टिस किए हैं उतना शायद अभी काफ़ी नहीं है उस चीज़ के लिए, तो हमें और मेहनत करना है, तो इससे हम सीखते हैं, तो कोई भी परेशान नहीं होगा इस रिजल्ट से, ठीक है, खुश हो के और मेहनत करना है कि यस हमें और अच्छा करना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है बच्चों, यस। अरे जवाब दीजिए, मैडम जी का कहना है कि इस मंच पे जो जीतेंगे वो तो जीते ही है, और अगर प्राइज नहीं भी मिलता है चिंता मत कीजिए, ये शुरुआत है, ठीक है मैम? करेक्ट। तो रिजल्ट चालू करेंगे जूनियर से, जूनियर थर्ड प्राइज गोज टू श्रेया। श्रेया, बहुत बहुत तालियां श्रेया जी, आइए आइए, क्या बात, तालियां बजते रहनी चाहिए, तालियां बजते रहनी चाहिए, कांग्रेचुलेशन श्रेया, चमचमाता ट्रॉफी कैश प्राइज। सुमेधा कुमारी, सुमेधा, सुमेधा कुमारी आइए मंच पर आइए, सुमेधा कुमारी, कांग्रेचुलेशन, तालियां जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक मेडल, एक ट्रॉफी, कैश प्राइज, कांग्रेचुलेशन जूनियर कैटेगरी की।
विनर मैम सरप्राइज क्रिएट करिए बताइए And now the senior category. The third prize goes to Tushar. Tushar! What about the right? Tushar, second prize, man. Yes, the second prize goes to guess. Any guess? Any guesses? Any guesses? Okay, so yes, Shoheb Akhtar. Congratulations, sir. तालियां बजाइए, दोनों तालियां बजाइए, प्लीज इन सबको एंकरेज कीजिए।